हेलो स्टूडेंट्स, मैं मानस पांडे, क्लास सेवन्थ मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं इससे पिछले वाली वीडियो आपने देखा होगा और एक्सरसाइज 2.3 के फोर्थ तक के क्वेश्चंस को आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। आज हमारे पास 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 आया है और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से और बेहतर तरीके से समझने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहली बात कि क्वेश्चन में लड़का है या लड़की, ये जानने के लिए क्या करेंगे, उसको पकड़ेंगे। किसको? लड़की को। देखिए, यहाँ क्वेश्चन में लड़की है, यहाँ पर लिखा हुआ है हर। हर किसके लिए यूज होता है? लड़की के लिए यूज होता है। मींस इस क्वेश्चन में कौन है? लड़की है, पहली बात तो ये। उसके बाद चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक लड़की चाहती क्या है? लिखा हुआ है कि सैली प्लांट्स फोर सैपलिंग इन ए रो। मतलब कि कहने का मतलब क्या है इसका, कि जो ये लड़की है सैली, इसका नाम क्या है? सैली। ये पौधे लगाना चाहती है, गार्डन में पौधे लगाना चाहती है एक रो में। तो रो कैसा होता है? रो कैसा होता है? ऐसा, इस तरह। तो पौधे लगाना चाहती है, ऐसे लाइन बाय लाइन पौधे लगाना चाहती है। कितना प्लांट्स लगाना चाहती है? फोर प्लांट लगाना चाहती है। लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, फोर प्लांट को लगाना चाहती है। अब बात यह है, चलिए तो हम यहाँ फोर प्लांट लगा देते हैं, ठीक है। एक यहाँ, टू, थ्री और फोर। फोर प्लांट हमने यहाँ पर ऐसे एडजस्ट कर दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेंट सैपलिंग, जो पौधे लगा रही है, जो प्लांट्स लगा रही है एक से दूसरे बीच में, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हर जगह कितना होना चाहिए? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 3/4 होना चाहिए। यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? 3/4। और यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? 3/4। मतलब कि क्या कहने का मतलब, इस पौधे से इस पौधे के बीच की दूरी 3/4, इस पौधे से और इस पौधे के बीच की दूरी 3/4, और इस पौधे से इस पौधे के बीच की दूरी 3/4। अब थोड़ा ध्यान से देखिए आप कि प्लांट्स कितने हैं, कितने पौधे हैं? 4। तो इनके बीच का गैप कितना है? 3। मतलब 4 प्लांट से तो गैप कितना है? 3। अब यहाँ से फर्स्ट से सेकेंड प्लांट्स के बीच की दूरी है 3/4, ठीक है। और कितना गैप है, गैप कितना है? 3। तो आप यदि 3/4 में जो गैप है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये? 9/4। अब 9/4 है क्या? तो वही पूछ रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग, इन पहले प्लांट्स और लास्ट वाले प्लांट्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो यदि हम 3/4 लिख करके तीन गैप, कितना गैप है? 3 गैप है। इन 3 गैप से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। यदि क्वेश्चन ऐसा बोला होता कि मान ली 5 प्लांट लगाना, 1, 2, 3, 4, 5, 5 प्लांट लगाना चाहता है और उसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 3/4, एक का, तो सबका उतना ही डिस्टेंस होगा। तो बताइए कि फर्स्ट वाले प्लांट से लास्ट वाले प्लांट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो कितना गैप है? 1 गैप 2 गैप 3 गैप 4 गैप। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते, 3/4, कुछ ऐसा, तो आंसर आ जाता। तो क्या समझे कि पहले आप फिगर समझ लीजिए, कितना प्लांट समझ लगा है? 4, 1, 2, 3, 4, गैप कितना है? 3। तो बस जितना डिस्टेंस है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी चीज़ें? आइए इस क्वेश्चन को हम लोग लिख करके न्यू सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन, ओके, लिखेंगे वहीं, यहीं से लिख देंगे, ये चीज़ें लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन क्या, टू एडजेंट सैपलिंग, कितना है गैप? 3/4 मीटर कर लीजिए यहाँ पे, कितना है? 3/4 मीटर, क्लियर। तो जैसे सॉल्व कर रहा हूँ वैसे हम लिख रहे हैं 3/4 मीटर। उसके बाद क्या बोल रहा है कि कितना प्लांट, एक रो में कितना प्लांट लगाना चाहती है, तो लिख दिया कितना प्लांट, 4 प्लांट लगाना चाहती है, क्लियर। तो लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ सैपलिंग, नंबर ऑफ सैपलिंग
सैपलिंग मतलब प्लांट लगाना, ठीक है ना, प्लांट हो जाएगा। प्लांटेड बाई किसके द्वारा लगाया जा रहा है? सैली के द्वारा। प्लांटेड बाई सैली कितना है? 4। तो लिख देंगे यहां पे क्या, 4। क्लियर। अब हमने बताया कि गैप कितना था, गैप कितना था, तो गैप कितना था, 3 था, दिखाया है ना अभी। देन नंबर ऑफ गैप कितना था, नंबर ऑफ गैप कितना था, गैप 3 अभी दिखाया है ना, 3। क्लियर, नंबर ऑफ गैप 3 था। उसके बाद क्या पूछ रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग, यही ना, तो उसके लिए लिख देंगे। सो द डिस्टेंस बिटवीन, बस ये जैसे बताया वहां पे वैसे यहां पे लिख देना है, द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड क्या लास्ट सैपलिंग, उसके लिए क्या किए थे हम, मल्टीप्लाई कर दिए थे। किससे मल्टीप्लाई किए थे बताइए, किससे मल्टीप्लाई किए थे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें, 3/4 में, लिख देंगे यहां पे क्या, 3 × 3/4। क्लियर, सो हो रहा है 3 × 3/4, और जब ये सॉल्व होगा तो कितना हो जाएगा, 9/4, और इसी क्या लिख देंगे हम लोग, 2 whole 1/4 meter, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा आंसर। बात समझाया, पहले हमने आपको फिगर के थ्रू समझाया, फिगर आपको समझ में आ गया, इन सारी चीज़ों को ऐसे लिख देंगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, लिपका रीड ए बुक फॉर 1 whole 3/4 hours एवरी डे, मतलब कि लिपका नाम की कोई एक लड़की है जो कि एक बुक पढ़ती है, बुक पढ़ती है कितना, एक दिन में कितना पढ़ती है, 1 whole 3/4 hours, कितना पढ़ती है, 1 whole 3/4 hours, मतलब कि इतना घंटा एक दिन में बुक पढ़ती है, वन डे में कितना पढ़ रही है, 1 whole 3/4 hour, ठीक है। सी रीड द इंटायर बुक इन 6 days, टोटल बुक कितने दिन में पढ़ ले रही है, 6 days में। हाउ मेनी hours इन ऑल वे रिक्वायर्ड बाई हर टू रीड द बुक, तो बताइए 6 day में वो कितने घंटे बुक पढ़ी, मतलब कि यदि आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आप खुद हैं कि वन डे में, मान लीजिए आप 1 hour पढ़ते हैं, और 1 hour एक बुक को वन डे में 1 hour पढ़ते हैं, ठीक है, और पूरी बुक को आप 6 days में कंप्लीट कर लिए, मतलब कि 6 days में आप पूरी बुक को क्या कर लिए, पढ़ लिए, तो बताइए कितने घंटे आप पढ़े, कितने घंटे पढ़े, ओवरऑल कितने hours आपने पढ़ा, तो आप क्या कहेंगे, 6 hours। जैसे मान लीजिए कि मैं बोलूँ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये चीज़ें मैं बोलूँ कि आप एक दिन में, यानी वन डे में आप 1 hour बुक पढ़ते हो, यहाँ पर 1 hour बुक पढ़ा, उसी तरह 1 hour यहाँ भी, 1 hour यहाँ भी, 1 hour यहाँ भी, ऐसे किए 1 hour, कितना और हो गया टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या कहेंगे आप कि हमने 7 hours में पूरे बुक को कंप्लीट कर लिया। क्लियर, तो क्या किया, या तो इन सबको आप ऐड कर दीजिए, या तो आप 1 में 1 2 3 4 5 6 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 hours आपका आ जाएगा। तो ये तो जनरल क्वेश्चन है कि मैं आपसे बोलूं कि यदि आप एक दिन में 1 hour बुक पढ़ते हैं, यानी एक दिन में एक घंटे बुक पढ़ते हैं, और पूरी बुक को आप 6 days में कंप्लीट पढ़ लेते हैं, तो बताइए आप टोटल कितने घंटे बुक को पढ़े, तो आप क्या कहेंगे,
6 घंटे यानी सॉरी 7 घंटे, 7 घंटे में आपने पूरे बुक को कवर कर लिया। सेम उसी तरीके से यहाँ 1 आवर ना कर करके क्वेश्चन में कितना कह रहा है, 1 whole 3/4 hours। तो क्या करेंगे भाई, 6 डेज में कब पढ़ रहा है ना, तो 1 डे में 1 whole 3/4 hour पढ़ता है 1 डे में, तो 6 डे में 6 से क्या कर दें इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 डे में इतना आवर, तो 6 डे में 6 into 1 whole 3/4 hours ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, जैसे मैं आपको बोल दूँ कि मान लीजिए एक मैंगो है और उस वन मैंगो का जो कास्ट है वह है 2 रुपीज़, कितना है 2 रुपीज़, वन मैंगो का कास्ट कितना है 2 रुपीज़, तो 4 मैंगो का कितना होगा, तो क्या करेंगे 4 into 2 रुपीज़ करेंगे ना, कितना हो जाएगा 8 रुपीज़। ये समझ में आ रहा है, सेम वैसे ही है, 1 डे में इतना हॉर्स, 6 डे में 6 into 1 whole 3/4 hours। तो समझ में आया कैसे हुआ, तो आइए इसको हम लोग लिख करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा कि लिपिका रीड द बुक एवरी डे, पर डे कितना पढ़ रही है 1 whole 3/4 hours, इतना घंटा पढ़ती है, या ओ आर मीन्स क्या होता है या, हम इसी को क्या लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, क्या लिखेंगे 4 1 4 और 3 7/4 hours। ठीक है, 7/4 भी इसको लिख सकते हैं जैसा कि आपको पता है। तो एक दिन में कितने घंटे पढ़ती है 7/4 hours, कितने दिन पढ़ती है 6 डे में कंप्लीट कर लेती है ना, तो लिखेंगे नंबर ऑफ डे कितने दिन में कंप्लीट कर रही है 6 डे में, तो लिखेंगे नंबर ऑफ डे सी टुक द रीड, समझ में आ रहा है सी टुक द रीड क्या, बुक को कितने दिन पढ़ रही है बुक द रीड, ओके इंटायर बुक इक्वल टू 6 डे, कितना पढ़ रही है 6 डेज में पूरे बुक को वो कंप्लीट कर जा रही है। ठीक है, 6 डेज में पूरे बुक को क्या कर ले रही है, कंप्लीट कर रही है। अब पूरे बुक को कंप्लीट कर कितने हावर पढ़ी, तो लिखेंगे यहाँ पे 6 आवर ना, तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ हॉर्स रिक्वायर्ड, इसमें कुछ आपको रटना नहीं है, सब यहाँ लिखा हुआ है, हाउ मेनी हावर, टू द टोटल नंबर ऑफ हावर रिक्वायर्ड बाई हर टू कंप्लीट, क्या कंप्लीट करने के लिए बुक को ना, तो क्या लिखेंगे कंप्लीट द बुक। क्लियर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 6 into 7/4 भाई, 1 डे में इतना हावर, तो 6 डे में 6 into 7/4 hour। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, इसको आप चाहे 2 से काट सकते हैं, 2 2 4 और 2 3 6, तो कितना हो जाएगा 21/2, कितना होगा 21/2, समझ में आया। और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 whole 1/2 hours, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस आप समझ गए हैं, तो इस लैंग्वेज को कुछ आप अपने से भी लिख सकते हैं, ओके, इन लैंग्वेज में ये आप कुछ अपने से भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हूबहू आपको ऐसा ही लिखा होना चाहिए, ऐसा चीज नहीं है। तो बात समझ आया, जब क्वेश्चन बोला था कि 1 डे में इतना हावर, तो 6 डे में मल्टीप्लाई कर दिया, सेम वैसे ही जैसे एक टॉपिक का दाम 2 रुपये, तो 3 टॉपिक का दाम ऐसे कितना होगा, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, खाने वाला क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है, इसको भी समझ लेंगे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक कार है, कार तो देखे ही होंगे आप लोग,
है कि कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर पेट्रोल। तो एक कार है 1 लीटर पेट्रोल उसमें डाला गया तो कितना चल रही है, 16 किलोमीटर। 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर, तो 2 लीटर पेट्रोल में 2 × 16 किलोमीटर, 3 लीटर पेट्रोल में 3 × 16 किलोमीटर, ऐसे होगा ना। फिर मैं बोलूँ 4 लीटर पेट्रोल में तो क्या करेंगे, 4 × 16 किलोमीटर, ऐसे होगा ना। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं? तो दिया क्या क्वेश्चन कि 1 लीटर में कितना चल रही है, 16 किलोमीटर। बाकी इन सब का कोई काम नहीं, आपको समझाने के लिए लिखे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब बोल रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 होल 3/4 लीटर पेट्रोल। ये बताइए 1 लीटर पेट्रोल में इतना किलोमीटर, तो बोल रहा है कि 2 होल 3/4 लीटर में बताओ। तो जैसे वहाँ 2 से 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, वैसे क्या कर देंगे इससे, 2 होल 3/4 × 16 ऐसे कर देंगे। यानी ये कितना हो जाएगा, 8 11/4 × 16, दैट इज क्लियर। 4 4 जा 16 11 4 जा 44 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। पहले समझ लीजिए, सॉल्व करेंगे हम लोग, पहले इसको समझ लीजिए। 1 लीटर पेट्रोल में इतना किलोमीटर, इतने लीटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेम वैसे ही जैसे कि 2 से 3 से मल्टीप्लाई कभी दिखाए हैं ना, सेम वैसे ही इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे उसको समझते हैं, मे बी ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक ना, बहुत आसान आसान क्वेश्चन दिया है, आप क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए लिखते कैसे हैं, देखिए तो लिखेंगे पहले द टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाई क्या, सॉरी ट्रेवलिंग कवर होगा, कवर बाई कार इन 1 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में कितना जा रहा है बताइए, 1 लीटर पेट्रोल में कितना जा रहा है, लिखा है क्वेश्चन में ना, दिखाई दे रहा है 1 लीटर पेट्रोल कितना जा रहा है, 16 किलोमीटर। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, 16 किलोमीटर। क्लियर चीजें, तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 लीटर पेट्रोल 16 किलोमीटर, यह तक समझ में आया। अब बोला हाउ मच डिस्टेंस इट विल बी कवर यूजिंग 2 होल 3/4 लीटर पेट्रोल। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जैसा हमने आपको बताया है। ठीक ना, तो कुछ नहीं बस वही लिखेंगे, यही लिखेंगे द टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंस, याद कुछ नहीं करना है, कवर बाई कार इन कितना, 2 होल 3/4 लीटर पेट्रोल। तो क्या करेंगे, 2 होल 3/4 × 16, या इसी को हम 11/4 × 16 कर देंगे। समझ आ रहे हैं, क्यों 11/4 किए, इसे मिक्स फ्रैक्शन में था चेंज किए हैं, काट देंगे 4 टाइम में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 44/1 किलोमीटर। 1 मिनट, ठीक क्या हो जाएगा, 44/1 किलोमीटर। तो हम इसको 1 ना लिखेंगे फिर भी चलेगा, तो ओवरऑल मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 44 किलोमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट और 8 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 8 का, यहाँ 8 वाले क्वेश्चन में 2 पोर्शन दिया हुआ, ए और बी। मैं इस 8 का ए वाला पोर्शन सॉल्व कर देता हूँ, बाकी बी वाला पोर्शन आप लोगों को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ए वाले पोर्शन में क्या कर रहा है कि आपको एक बॉक्स दिया है और इस बॉक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद 8 के ए में सेकेंड वाला पोर्शन क्या कर रहा है कि इस बॉक्स में जो वैल्यू आएगी उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बात ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे 2/3 × बॉक्स इक्वल टू क्या होगा, 10/30,
और इस बॉक्स में हम यक्स मान लेंगे, क्या मान लेंगे यक्स, बिना यक्स माने काम नहीं होगा आपका, यहाँ क्या मान लेंगे एक्स, और आपको इसी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब इधर ये क्या है मल्टीप्लाई है, जब 2/3 को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे 10/30 के साइड में तो ये डिवाइड हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 10/30 डिवाइडेड बाई 2/3। हमेशा ध्यान दीजिए जब इधर मल्टीप्लाई है इसको जब ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे 10/30 को इनटू तो ये उल्टा हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/2। बात समझ जा रहा है, जब इस डिवाइड को सॉल्व करते हैं तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जब डिवाइड मल्टीप्लाई में बदलता है तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है। अब इसको क्या करेंगे, काटेंगे 2 1 2 2 5 10, 3 1 3 3 10 30, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5 और 10 1 10, यह आपकी एक्स की वैल्यू हो गई। इस एक्स की वैल्यू को यहाँ लिखेंगे 5/10 तो क्या होगा 5 2 10 और 10 3 30 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप फर्स्ट वाला पोर्शन इसका सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इसका सेकेंड वाला पोर्शन देखते हैं कि सेकेंड वाला पोर्शन में क्या बोल रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म बोल रहा है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ किसका 5/10। तो 5/10 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 5 1 5 5 2 10 1/2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ए का सेकेंड वाला पोर्शन का। इस तरीके से आप 8 का ए का दोनों पोर्शन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके बचा 8 का बी वाला पोर्शन जिसको आप लोग खुद सॉल्व करेंगे अपने आप, ओके। आइए तो हम उसको लिख देते हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिए कॉपी में, ये बी वाला पोर्शन है जिसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। आशा करते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे, आशा क्यों, हमें पूरा विश्वास है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ओके। तो ये आपके होमवर्क के तौर पे हम क्वेश्चन दे दे रहे हैं और आप इसको क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।